हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो मैं बना रही हूँ वड़ा, आप लोगों को देखते तो मालूम हो गया होगा वड़ा, मगर यहाँ पे मैं स्पेशल वड़ा बनाई हूँ, वो मसाला वड़ा। मसाला वड़ा बोले तो आप लोग बहुत सारे मसाले डाल के बनाए बोल के समझ जाते हैं, मगर उतना मसाला कुछ भी नहीं डाला मैं। यहाँ पर एक गिलास उड़द दाल लिया है, भिगो के पीस के रेडी रख लिया है। उसमें मैं जो मसाले डाल रही हूँ वो है आधी चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच जीरा, हरी धनिया, करी पत्ता और दो हरी मिर्ची। इन सभी डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। हमेशा हम सादा वड़ा खाते रहते हैं, नहीं तो हम हरी मिर्ची डाल के बनाते हैं। इस तरह से भी अगर आप लोग एक बार बना के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। मसाला तो पूरे मिला चुकी हूँ मैं। अभी मैं गैस पे तेल लगा देती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अभी मैं वड़ा डाल रही हूँ। अगर आप लोगों को हाथ से डालने से मुश्किल हो रहा है तो एक प्लास्टिक पेपर पे डालिए, अपना हाथ गीला करके उसको डाल दीजिए, बहुत अच्छा वड़ा बनेगा। यहाँ पे मैं हाथ से ही डाल दे रही हूँ। वड़ा हमेशा मीडियम फ्लेम में रख के जलाना है, क्योंकि अगर हाई फ्लेम में लगाने से ऊपर पक जाएगा मगर अंदर नहीं पकेगा, इसलिए हमेशा मीडियम फ्लेम में लगाइए, पकाइए। आप देखिए मैं एकदम गोल्डन कलर में पका रहा है, और इसको मैं निकाल के टिश्यू पेपर में डालती हूँ। मैं ऑलरेडी प्लेट में टिश्यू पेपर डाल के रेडी रख लिया है। देखिए, देखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है, खाने में भी उतना ही अच्छा दिखेगा। मसाला वड़ा बच्चों को इचने बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। ये स्नैक्स के जैसा लीजिए, वरना आप सांभर या चटनी के साथ भी ले सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, सांभर के साथ तो और अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना भूलिए मत। जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद दोस्तों। अब तक जो मेरे वीडियो देखे उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।